कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप ही अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमने प्लान किया कि हम क्यों ना अफ्तारी बाहर करें, क्योंकि जब से कोरोना वायरस का ये हुआ इशू लॉकडाउन, तब से मेरे बच्चे बिल्कुल घर थे। 2 मंथ्स हो गए थे, वो फिर से बाहर निकले नहीं। तो फिर हमने प्लान किया कि चलो आज बच्चों को कहीं बाहर लेके निकलते हैं, साथ में इफ्तार कर लेते हैं। तो आज हम थोड़ा लेट भी हो गए, क्योंकि हमें थोड़ा इतना टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं था। वैसे रोड देखें बिल्कुल खाली है। तो फिर हम चले गए, हम जा रहे हैं अब। तो ये हमने रास्ते में 150 वाटर रख लिया था कि रास्ते में रोज़ा खुलेगा तो हम फिर रास्ते में मतलब पानी से और खजूर से रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। फिर अब ये देखें हम जा रहे हैं, ये दुबई की बहुत ज़्यादा शेख जायद रोड है, काफ़ी चलती है, काफ़ी इस पे रश होता है, लेकिन आज इतना कोई ख़ास मुझे रश नज़र नहीं आया इस रोड पे भी ना। ये देखें अब हम दुबई मरीना पहुंच गए हैं। ये दुबई मरीना की बैक साइड है, बहुत खूबसूरत प्लेस है। आपको कभी मैं दुबई मरीना का भी विज़िट करवाऊंगी। अब हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं इस रेस्टोरेंट में, किसी ने रेफ़र किया था तो हमने कहा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो ये देखिए अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। हम ये हमें मिल गया है, नज़र आ गया रेस्टोरेंट। बस अब यहाँ से हम राउंड अबाउट से टर्न करके इसके बाद हम पार्किंग ढूंढेंगे। नहीं, हमें यहाँ कोई पार्किंग नज़र नहीं आ रही। ये देखिए हम ये सारी हमने पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पर सब मुश्किल से ही लग रहा है, यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही। तो फिर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम इस बिल्डिंग की पार्किंग, बेसमेंट की पार्किंग में चले जाएं, फिर वहाँ गाड़ी लगा लें। ठीक, अब हम इस बिल्डिंग की बेसमेंट में जा रहे हैं कि वहाँ कार पार्क कर ले। हम टर्न करने लगे हैं कि अब हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है। आज हवा भी बहुत मज़े की है। ये देखें कितना खूबसूरत जगह है ये, और इतनी अच्छी हवा चल रही है वॉक के लिए। बल्कि हमारा प्लान है कि हम आफ्टर डिनर हम थोड़ी सी वॉक भी करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर है। हालांकि मई में इतना अच्छा वेदर होता नहीं है, लेकिन बहुत हवा, मज़े की हवा है। ये देखें यहाँ बोट्स खड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्रूज़ का भी होता है, लेकिन आजकल लॉकडाउन की वजह से क्रूज़ सब बंद है। तो ये देखें यहाँ बोट्स खड़ी हैं। और हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं कि हम खाना खा लें, बच्चों को बहुत भूख लग गई है। ये देखिए लोग मज़े से यहाँ वॉक कर रहे हैं। अच्छी जगह थी, मज़े का मज़ा आया, बच्चों ने भी इंजॉय किया, इतने टाइम के बाद घर से बाहर निकले। तो ये हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है। ये हम जब गए तो उन्होंने हमें ये रूह अफ़ज़ा सर्व किया, क्योंकि हम लेट होकर हमारा ऑर्डर आ गया, काफ़ी देर बाद आया था, बच्चों को बहुत भूख लगी हुई थी। ये देखिए हमने बिरयानी मंगवाई, साथ में हमने बोनलेस चिकन हांडी मंगवाई है, साथ में हमने नान मंगवाया, गार्लिक नान। उनका कोई पेशावरी स्पेशल नान था, वो ऑर्डर किया था, उस पर कुछ नट्स लगे हुए थे। या मैं बच्चों को खाना डाल के दे रही हूँ कि ताकि के बच्चे बहुत उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, तो मैंने सोचा मैं इनको फटाफट पहले खाना डाल दूँ। ये देखिए अब मैंने रोहिणी नान ऑर्डर कर लिया। ये देखें ये पेशावरी नान है, उसके ऊपर थोड़ा सा ये स्वीट टाइप नान था, साथ में उसके ऊपर नट्स थे। डिफरेंट था, इट्स ओके, गुड टेस्ट। पर खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत अच्छा। ये मेरे हस्बैंड, अपनी बहन के अपने हस्बैंड की प्लेट दिखा रही हूँ आपको। ये देखें इन खाना इट्स नॉर्मल था। अगर मैं कहूँगी मैं दोबारा जाऊँगी तो नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे खाने में कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं लगा। ऐसे यहाँ लाइव कुकिंग होती है आपके सामने, ये देखिए यहाँ लाइव कुकिंग होती है आपके सामने, बना रहे होते हैं। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था,
बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।